अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और बात रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। जैसे कि आपको देखने से अंदाजा हो गया, किचन क्लोजअप में बिल्कुल रेसिपी शेयर की गई है चिकन मंदी की। बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया और ये देखिए माशाल्लाह से चिकन भी हमारी देखें कितनी सॉफ्ट, ये देखिए और कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी है। ये जानने के लिए और चावल भी देख लें, हाँ ये देखें राइस भी देखें, ये देखें कितने खिले खिले और इतने खूबसूरत बने। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा किचन क्लोजअप में। जो मेरे चैनल पे नए काइंडली वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलें हम अपने किचन क्लोजअप में चलते हैं, आप सबके लिए मजेदार सी चिकन मंदी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा मंदी मसाला। उसके लिए जो जो स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे उसमें शामिल है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के ले लेना है, जीरा लेना है हमने 2 टेबल स्पून भर के ले लेना है, साबुत काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, 4 से 5 अदद इलायची छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 अदद दालचीनी। अब हम इसको करेंगे ड्राई रोस्ट। ये देखिए सारे स्पाइस हमने जो साबुत मसाले थे सब हमने देखे ड्राई रोस्ट कर लिए इस तरह करके। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटा सा एक पीस ले लेना है जायफल का और सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, मैंने लिया 1 टेबल स्पून भर के। ये ऐड कर देने के बाद इसकी हमने एक पाउडर फॉर्म दे देनी है, इसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना। ये देखिए हमारा मंदी मसाला रेडी हो चुका है। चले अब हम इसकी चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट। एक दूसरा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मंदी मसाला जो हमारा बनाया था अभी हमने। इसके साथ साथ डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नींबू का जूस जाएगा 1 टेबल स्पून भर के और कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइस डाल देने के बाद अब हम इन सारे मसालों को क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मंदी मसाला पेस्ट हमारा हो गया है रेडी। अब हमने क्या करना है, चिकन लेग पीस इस तरह करके मैंने लिए हैं, ये देखिए, ये देखें इस तरह करके थाई के साथ। अब मैं इसके अंदर कट लगाऊंगी, कट लगा के फिर मसाले में अच्छे से इसको मैरिनेट करते हैं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगाएंगे, हाथों की मदद से लगाएं, हाथों को साफ कर लें। ये देखें इस तरह करके इसके कट्स में, ये देखें इसी तरह करके मैं दूसरे पीस पे भी मसाला लगा देती हूँ। स्पाइस लगा दिए सारे मसाले, देखें कितने अच्छी तरह से चिकन पे लग गए। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। देखिए चूल्हे पे मैंने एक पैन रख लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिए 2.5 गिलास पानी। स्टीम करना है हमने चिकन को, अब ये मैंने रख दिया एक इसके अंदर स्टीमर, और इसके साथ साथ जो चिकन हमारी हमने रखी थी मैरिनेट होने के लिए ये इसके ऊपर इस तरह करके रख देंगे। मैंने लगा दिए लिड, लिड लगा के अब हम इसको लो टू मीडियम हीट पर स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी चिकन अच्छे से स्टीम ना हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए जनाब 10 से 15 मिनट हो गए, अब हम लिड हटाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें चिकन हमारी 80% हमने इसको स्टीम करना था 80% तक। ये देखिए धुआं उठ रहा है तो इससे थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो 80% हमारी चिकन स्टीम हो चुकी है। ये देख लीजिए यहाँ से, ये देखें ठीक है जनाब। चलें जी अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है अब हमने एक अदद फ्राई पैन ले लिया, उसमें डाला मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब ये जो चिकन हमने स्टीम की थी इसको हमने हाई फ्लेम पर हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए ये डाल दिए मैंने सारे पीस, ये देखिए
एक से दो मिनट लगेंगे, इसको मैं दोबारा पीछे टर्न कर लूँगी। जब इसके नीचे वाली साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हम आपसे मिलेंगे। देखिए मैंने इसकी साइड भी टर्न कर ली थी, चिकन हमारी अच्छे से, ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है चिकन की, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये देखिए चिकन हमारी गल भी गई है बहुत अच्छे से। चलें जी अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चिकन स्टॉक जो हमने स्टीम दिया था चिकन को, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, राइस में हम इसको यूज करेंगे। चलिए तो फिर आपने राइस बनाना है। दूसरा हमने पैन ले लिया, उसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बटर। बटर डालने देने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप काजू, 1 कप पिस्ता और 1 कप बादाम। ये देखिए इन सब ड्राई फ्रूट्स को डाल के हमने इसको ये देखिए हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है कि इसकी खुशबू अच्छी से आ जाए और रोस्ट भी हो जाए। ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए और इतनी अच्छी बीनी बीनी से खुशबू आ रही है बर्तन की और ड्राई फ्रूट्स की। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे किसी और बर्तन में। सारे नट्स निकाल लेने के बाद अब हम इस उसी ऑयल में डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज ले लिए मैंने, ये डाल दूंगी और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक इसको करेंगे हम फ्राई। प्याज का कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। ये देखिए इसको थोड़ा सा भी हम मिक्स होने देंगे प्याज के साथ। ये देखिए इतनी अच्छी सी खुशबू आती है अदरक लहसुन जैसे प्याज में ऐड करो। और इसके साथ साथ डाल देंगे मंदी मसाला 1 टेबल स्पून भर के, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर 2.5 ग्लास चिकन स्टॉक जो हमारी बची हुई थी वो ऐड कर देंगे। चलिए जी हम इसके अंदर ऐड करके बासमती राइस, मैंने इसको अच्छे से भिगो दिया था। 2 ग्लास मैंने चावल लिए, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हम इसमें राइस के हिसाब से सॉल्ट को ऐड कर देंगे ये देखिए, और अब हमने इसको कुक होने तक वेट करना है। ये देखिए राइस में इतना पानी थोड़ा थोड़ा सा रह जाए। अब हमने इसमें क्या करना होगा, थोड़े से हम इसके अंदर रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ये ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह करके और थोड़े से हमने बचा लेने, ऊपर से सर्व करते वक्त ऐड करेंगे। देने के बाद मैंने चिकन पीस जो हमने बनाए हुए थे ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब हम इसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट हो गए, अब हम लेड हटाएंगे माशाल्लाह से। ये देखिए ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया और राइस हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें कोयले का स्मोक देंगे, कोयला मैंने अच्छे से दहका लिया और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑयल। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे स्मोक और लेड लगा के ढक देंगे। चिकन मंदी हमारी खाने के लिए तैयार है, अब हम इसे करते हैं गर्मा गर्म डिश आउट।
देखिए मजेदार सी हमारी चिकन मंडी कितनी आसान सी रेसिपी के साथ खाने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़ी यूनिक सी रेसिपी शेयर की गई है, तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें फिर, आप सबसे ज्यादा चाहूंगी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।